सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद प्रोग्राम देखने वालों को। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात होती है जी कुछ खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं। बहुत सारे मामलों पर आज हमने गुफ्तगू करनी है, खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ इस वक्त जारी है। टेस्ट सीरीज़ आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान का अच्छा आगाज़ टेस्ट सीरीज़ में और ख़ासतौर पर बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की लाइन लाइट में रही है। बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो है वो शाहीन शाफी ने की है और इस हवाले से हमने बात करनी है। और जनाब इस जो बैटिंग है आज वो भी बहुत अच्छी रही है, ख़ासतौर पर शान मसूद सेंचुरी मेकर रहे हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम येट अगेन एक और बड़ा ज़बरदस्त नॉक बाबर आजम का, एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बाबर आजम ने स्कोर किया, उससे क्रीज पे मौजूद हैं। और दूसरे दिन के खेल के खत्म तक जो है पाकिस्तान की पोजिशन जो है काफ़ी मुस्तकम नज़र आ रही है, तो देखना ये है कि कितना फर्दर स्कोर को आगे लेकर जाते हैं। और ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है, अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया है शान मसूद ने, इसको मज़ीद और कितना बाबर आजम और साथ साथ असर चुकी जो है वो आगे लेके जाता है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और साथ साथ पीएसएल के हवाले से भी खासतौर पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, अब कम दिन रह गए हैं और 20 तारीख से ये इवेंट इसका आगाज़ होगा और इसके बाद क्या तैयारियाँ हैं और कितनी एक्साइटमेंट पाई जाती है, इसको आज हमें डिस्कस करना है। तो इन तमाम मामला पर गुफ्तगू होगी। पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस मौजूद पर गुफ्तगू होगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीरीज़ के हवाले से। सीरीज़ का अच्छा आगाज़ हुआ है और पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पे पहले दिन बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की, अच्छा स्पेल किया है। नसीम शाह बड़े प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा जो हमें वैक्यूम नज़र आ रहा था आमिर के जाने के बाद, वो काफ़ी हद तक जो है वो फील्ड हुआ है और इसके ऊपर हमने मज़ीद बात करनी है। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फैसल इकबाल फॉर जॉइनिंग अस। फैसल, हाउ डू यू सी दिस मूव, बॉलर्स के साथ उतरे और स्ट्राइक किया बॉलर्स ने और जैसे मैंने अभी कहा कि एक वैक्यूम सा एक सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया था आमिर के जाने के बाद, वहाब रियाज के बाद अब वो फील्ड होता हुआ नजर आ रहा है नसीम शाह और शाहीन शाह के कॉम्बिनेशन की शक्ल में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ, हमारे मीडिया में इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि जब कोई प्लेयर के जाने आने की बात होती है, खासतौर से कोई पुराने प्लेयर की जब जाने की बात हो रही होती है तो इतनी एक्साइटमेंट हमारी आ जाती है कि यार वो चला जाएगा तो पता नहीं शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ, भाई मैं खुद बेंच पे बैठा हूँ इतनी पूरे करियर में ये देखते हुए कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी हमेशा होती है। ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्लेयर डोमेस्टिक में खेल रहे हैं दे आर रेडी टू प्ले। सिर्फ ये इतनी बड़ी बड़ी जो सिलेक्शन कमेटियां या जो लोग कंसर्न्ड उन प्लेयर्स को पिक करने के लिए जो लगाए हुए हैं उनको बखूबी अंदर पता होता है कि इस बंदे को ये रिप्लेस करेगा, इस बंदे को ये रिप्लेस करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे मीडिया के अंदर कि जो हमारे मीडिया स्पोर्ट्स के अंदर जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं वहां हमें थोड़ा सा इन लड़कों के बारे में होमवर्क कंप्लीट रखना चाहिए कि यार अगर फर्ज करें शाहीन से अफरीदी का आज से दो साल पहले किसी को नहीं पता था मीडिया के अंदर, तो जो क्रिकेट के अंदर लोग मौजूद थे उनको तो पता था बिकॉज वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा था। इन चीजें होती हैं हमारी जो मतलब मेरी नहीं समझ में आता कि वो क्यों इस बात को नहीं वो करते कि जी हमारे यहाँ बेंच स्ट्रेंथ रेडी है, हमारे यहाँ हमेशा बेंच स्ट्रेंथ रेडी रही है, सिर्फ और सिर्फ नियतें साफ करके उन प्लेयरों को चांस देने वाली बात होती है। बिकॉज जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं चीजें,
मीडिया में मैनिपुलेट करवाते हैं चीजें अपने लिए, तो इस वजह से जो है वो राइट बात जो है वो रॉन्ग प्रेजेंट हो रही होती है। तो मैं तो हमेशा से फेवर में हूँ कि यंग लेग्स अगर एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट का टेस्ट लिया हुआ है उन्होंने, लंबे स्पेल्स में बॉलिंग की हुई है, बैटिंग की हुई है, कीपिंग की हुई है, बिल्कुल वो रेडी है, आप उनको उतार सकते हैं फील्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक है। बट फैसल एक चीज है जो हम जब भी चीफ सेलेक्टर से बात करते हैं, जब भी उनसे इंटरेक्शन होता है मीडिया का, जब उनसे सवाल किया जाता है, खासतौर पर आमिर के जाने के बाद जब ये सवाल किया जा रहा था कि ये जो गैप आया है जिसका भी तस्करा हो रहा था ये कौन फिल करेगा, तो कोई जवाब सेटिस्फाइंग कोई नहीं दे सके मिसबा, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक में हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर हैं, ताबिश खान हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अच्छे स्पेल किए, बड़े बड़े स्पेल किए उन्होंने, बड़ी विकटें ली, लेकिन उनको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लाया गया, तो इस वजह से भी ज़्यादा सवाल किया जाता है। डू यू थिंक कि चीफ सेलेक्टर को ये तमाम चीज़ें क्लियर करनी चाहिए जब मीडिया पर उनसे सवाल किया जाए? है, इससे पहले जितनी भी सिलेक्शन कमेटियां आई हैं पिछले सालों के अंदर, उन सबके पास यही डोमेन होता था। आई थिंक ज्यादातर तो ग्राउंड ही नहीं जाते थे मैच देखने के लिए, वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के प्रिंट आउट निकाल के देख लेते थे कि मैच को क्या हुआ है। सवाल यहाँ पर ये होता है जो अभी आपके चीफ सेलेक्टर साहब जो बैटिंग कोच भी हैं और हेड कोच भी हैं, वो कितने मैचों के अंदर डोमेस्टिक में खुद ग्राउंड पे गए हैं, वो इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, अपनी जो सिलेक्शन कमेटी कोचिंग जो उन्होंने एक नया फॉर्मेट पता नहीं किस तरीके का बना दिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो फिर डिसीजन तो एंड में उन्हीं के ऊपर आ रहा है। अब जब डिसीजन वो ले लेते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तीन बंदे साथ बैठा लेते हैं कि देखें जी मैं तो अकेला डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ये राइट और लेफ्ट पे जो मेरे बैठे हुए हैं इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, तो वो तो अपने ऊपर कोई चीज का ब्लेम नहीं रहे फ्रॉम डे वन, तो वो आगे क्या ब्लेम लेंगे। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। फैसल एक चीज और रिफ्लेक्ट हो रही है मिसबा के डिसीजन से, और ये भी अब सवाल उठ रहा है कि ये जो अप्रोच हुआ करती थी माजी में जब वो एज ए क्रिकेटर खेला करते थे, वो अब नजर आ रही है उनके जो फैसले वो ले रहे हैं, वो उनकी सिलेक्शन में भी वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच है उनकी, क्या ये बात सही है आपके ख्याल में? देखिए ये तो एक रियलिटी है ना, जितने लोगों ने क्रिकेट देखी हुई है पिछले सालों में, जितने लोगों को पता है उसके लिए तो इतनी हमें डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट, हर बंदे की जो माइंड सेट है वो सबको पता है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक आदमी अपने आप को कितनी तैयारी से है, देखें अगर किसी को किसी भी फील्ड में उतार देंगे जी वो काम तो वो कर करके थोड़ा बहुत सीख जाएगा ठीक है बिल्कुल, लेकिन मतलब ये आता है कि जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे किसी को बगैर एक्सपीरियंस के लाते हैं तो वहां फिर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। यस बिल्कुल ठीक है ठीक है। अच्छा फैसल लास्टली अब ये बताइएगा जरा, एक जो बैट्समैन है खासतौर पर शान मसूद, ड्यू परफॉर्मेंस थी बहुत देर से उनके ऊपर, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया बैटिंग में, तो हाउ डू यू सी हिम, कैसे आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे तो उसमें टैलेंट नजर आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शान मसूद में टैलेंट है लेकिन वो अभी तक डिलीवर सही तरह से नहीं कर पाया है, तो ये आपने जो सेंचुरी उसने लगाई है आज, इसको देखकर लगता है पोटेंशियल है? देखिए हमारे यहाँ पोटेंशियल तो हर प्लेयर के अंदर होता है जब वो पाकिस्तान टीम में आता है, ठीक है, क्योंकि नीचे से तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि बस वो घर में क्रिकेट खेल रहा हो या वीडियो गेम खेल रहा हो और सीधा उसको डाल दिया। yes, वो yes. तो डेफिनेटली आप पूरा उसका एक बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई उसने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्या किया है। हाँ कमी पेशी सबकी जरूर होती है, किसी ने 800 रन बनाए होते हैं सीजन में, किसी ने 500 रन बनाए होते हैं, वो सारी चीजों को जो है वो जज करके आपको प्लेयर की एक को निकालना पड़ती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो शान इस मामले में लकी है, उसको चांसेस जो है वो कंसिस्टेंट मिले हैं। yes. और उन्होंने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जगह पर ये बोला है कि उन्होंने वो चांसेस नहीं किए शुरू में। तो ये आप समझ लीजिए कि अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में होम सीरीज शुरू हो गई है, हमारे यहाँ बिकते हुए लड़के इनके ऊपर सीखते रहते हैं, डोमेस्टिक तो उनको आइडिया भी है कि इन ग्राउंड और टिकट के ऊपर कैसे खेलना होता है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट जो है वो शान के और हमारे जितने भी लड़के हैं उन सबको थोड़ा सा मिल गया है कि होम के अंदर खेल रहे थे। दुबई और पाकिस्तान में जब आप खेलते हैं तो सॉइल का फर्क जरूर है, ऐसा नहीं है कि आप दुबई का सॉइल और पाकिस्तान का सॉइल या वहां का सॉइल ज्यादा आसान है यहाँ का सॉइल कुछ, हमारा पाकिस्तान का सॉइल ज्यादा आसान है कम्पेयर टू पाकिस्तान से बाहर के सॉइल के ऊपर, तो हमारे लड़कों का जो असल टेस्ट होता है वो बाहर जाकर होता है। तो आप जितने भी प्लेयर्स अगर खेल गए हैं 18-18 20 टेस्ट अगर खेल गए रेगुलर कंसिस्टेंट खेल गए कम सालों के अंदर, तो आप उनकी परफॉर्मेंस खुद ही एनालाइज करेंगे एशिया के अंदर होम के अंदर और बाहर के अंदर क्या परफॉर्मेंस करेंगे। राइट बिल्कुल ठीक है फैसल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बड़े टैलेंटेड बैट्समैन
اور بیٹنگ ٹیکنیک پہ بڑا کام کیا انہوں نے, خاص طور پہ کراچی کنگز کی فرینچائز کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بہت بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ گائڈ کیا بہت سارے بیٹسمین کو. تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے اور ابھی بات کر رہے تھے انہیں تمام چیزوں کے حوالے سے, خاص طور پہ سلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہے تھے, اور پوٹینشیل کی بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہی کہ پوٹینشیل ہے تبھی وہ ٹیم کے اندر ہے. ڈیلیور کرنے کی جب بات آتی ہے تو جو فورن سوائل کے اوپر جیسے بات ہو رہی تھی, اگر وہاں ڈیلیور کریں گے تو دین وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے ٹیم اپنی سلیکشن کو, دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ابھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, دین سلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان تمام چیزوں کو ہم نے مزید ڈسکس کرنا. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے جو نمائندے ہیں رفیق انصاری صاحب وہ موجود ہیں, ان کو بھی میں ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ رفیق انصاری فار جوائنگ. ویل رفیق صاحب, ٹیسٹ میچ اسٹارٹ ہوا, بولرس پہلے دن جو ہے وہ بڑی زبردست فارم میں نظر آئے, شاہین شاہ خاص طور پہ, آفریدی بڑا زبردست اس پہلے انہوں نے کیا, دین اگین نسیم شاہ ینگ فاسٹ بالر بڑا زبردست انہوں نے اسٹارٹ لیا, اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی فیصل نے بالکل ٹھیک کہا, ایکسائٹمنٹ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بالر اگر عامر چلا گیا تو کیا ہوگا, وہ چلا گیا تو کیا ہوگا, لیکن دونوں بچوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دی. ٹیم میں یہ دوسرا ٹیسٹ ہے, یس پہلا ٹیسٹ تو ہم نے سری لنکا کے خلاف کھیلا جو بارش کی نظر ہوا جی, مگر اس میں بھی یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی پانچ وکٹیں تھیں جی, یہ دیکھا, اور اس نے ایک زبردست پرفارم کیا تھا جی. چونکہ ہوم سیریز ہے ہماری, اور ہوم سیریز کے لیے ہمارے پاس یہی ہے کہ ایشیا کی جتنی بھی وکٹ ہو, چاہے پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو یا بھارت ہو, ہماری وکٹیں ہوتی ہیں سلو, ہماری تیز وکٹیں نہیں ہیں. ہمیں ہمارے بولرس کا اندازہ ہوتا ہے کہ باہر ممالک نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, مطلب اس ساؤتھ افریقہ جانے کے بعد ہمارے بولر کا صحیح معنوں میں اندازہ وہاں ہوتا ہے. ابھی جیسے دیکھا کہ کل پہلا دن تھا بنگلہ دیش کے خلاف, شاہین شاہ آفریدی نے چار وکٹیں لی 77 رن دے کے, اس کے علاوہ حارث سہیل نے دو لی, محمد عباس نے دو وکٹ لی, نسیم شاہ نے ایک لی, یاسر شاہ نے, تو اس طریقے سے پہلے دن جو ہے بنگلہ دیش کو ہم نے 233 رن پر یقینی طور پر آؤٹ کیا, اور یہ میچ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے. مگر موسم کبھی آ جاتا ہے, کبھی بارش ہو جاتی ہے, پنڈی کا موسم ایسا ہے کہ ابھی بارش ہوئی رک گئی, اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کس وقت بارش ہو جائے. آج کھیل کا دوسرا دن تھا اور پاکستانی بیٹسمینوں نے ایک بار پھر اچھی بیٹنگ کی, مگر عابد علی جس پر ہم بڑا ناز کر رہے تھے کہ جن میں پہلے سری لنکا کے خلاف اچھی پرفارمنس کی, پہلے ٹیسٹ میں بھی, دوسرے ٹیسٹ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, یقینی طور پہ آج بغیر رن بنائے وہ آؤٹ ہو گئے, مگر اس کے بعد اظہر علی کپتان اور شان مسعود نے وکٹ پر رکے 91 رنس کی پارٹنرشپ کی, اور اظہر علی جو ہے وہ 34 رنس بنا کر پویلین لوٹ گئے. تو اسی طریقے سے ابھی دیکھیں آج بابر اعظم نے ایک بار پھر سینچری کی, اور یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کا ایک عظیم بیٹسمین ہے, اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مزید ثابت کرے گا کہ یہ وراٹ کوہلی جو بھارت کے جو کہا جاتا ہے کہ وراٹ کوہلی کی طرح, تو یقینی طور پر ان کی پرفارمنس یہ بتا رہی ہے کہ وہ آئندہ کا ایک وراٹ کوہلی ہے. اور اسی طریقے سے آج ابھی ان کے ساتھ وکٹ پر جو ہیں اسد شفیق موجود ہیں, جو ایک اچھے بلے باز ہیں, اور وہ ان کو رکھا ہی ٹیسٹ وکٹ کے لیے جاتا ہے, اور یقینی طور پہ آج انہوں نے 60 رن بنائے, اور ابھی وہ وکٹ پر بابر اعظم کے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شان مسعود ہے, اب یہ تین کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہوئے ہیں, اور اس وقت تقریباً پاکستان کے 300 سے زائد جو اسکور ہو چکا ہے, اور 109 رن کی پاکستان کو اس وقت لیڈ ہے. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کا دن پاکستان کے لیے ایک بڑا اسکور کرنے کا دن ہوگا, اگر اسد شفیق بھی سینچری کرتے ہیں, ادھر شان مسعود نے سینچری کی ہے, ادھر بابر اعظم نے بھی سینچری کی ہے, تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم نے جو بنگلہ دیش کی ٹیم کو پہلے دن آؤٹ کیا 233 رنز پر, اور اگر پاکستان کل 200 یا 300 رن کی اگر لیڈ دیتا ہے تو یقینی طور پہ بنگلہ دیش کے لیے ایک مشکلات کا سامنا ہو, کیونکہ ابھی کل کھیل کا تیسرا دن باقی ہے, اور مزید یقیناً 3 دن ہی باقی ہیں, مگر اگر پاکستان کل ٹی ٹائم سے پہلے اگر بنگلہ دیش کو بیٹنگ دیتا ہے, اور پھر ان کی ایک دو وکٹیں جس طریقے سے نتی یاسر شاہین شاہ آفریدی اس وقت بنگلہ دیشی بیٹسمینوں پہ چھائے ہوئے ہیں, اور اگر انہیں ایک دو وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے, یا دو وکٹ کوئی بھی بولر, چاہے عباس نے آؤٹ کیا ہو, چاہے نسیم شاہ آؤٹ کریں, کوئی بھی آؤٹ کرے, اگر کل ٹی ٹائم پر اگر پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کو بیٹنگ دیتا ہے اور ہم آؤٹ کر لیتے ہیں, تو یقینی طور پہ چوتھا دن بنگلہ دیش کے لیے بڑا بھاری ہوگا. ٹھیک ہے جی, چل اس کے اوپر مزید بات کر دی ہے ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے, اور خاص طور پہ بیٹنگ پرفارمنسز جو ہیں وہ ایک اچھا اسٹارٹ پاکستان کو ملا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ فارمر انٹرنیشنل پلیئر غلام علی صاحب موجود ہیں, ان کو میں ویلکم کروں گا. تھینک یو سو مچ غلام علی بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह करम आप बताएं ठीक है? ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा अगलू भाई, बात हो रही थी थोड़ी सी बाबर आजम के हवाले से, और एज एक्सपेक्टेड कंडीशंस बड़ी सपोर्ट कर रही हैं। आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करूँ ताकि आपको आवाज जो है वो मेरी ठीक तरह से आ सके। ठीक है जी, चले आपको अभी दोबारा से आप अगलू भाई को जो है लाइन पर लेते हैं, अभी उनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा अगलू भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा लाइन में शायद कोई ट्रबल है, दोबारा से आप उनसे जो है रब्ता करें। तो बाबर आजम की आपने बात की, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त उसने है, और जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंडीशंस जो हैं वो बैट्समैन को सपोर्ट करेंगी यकीनन, और पाकिस्तानी टीम क्योंकि होम क्राउड के सामने होगी और बड़े अर्से के बाद क्रिकेट खेल रही है, तो उसका एडवांटेज उसने बिल्कुल उठाया और उसने साबित किया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त जो है मौजूदा क्रिकेट के अंदर। देखो यासिर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बहाली आई, और बहाली के साथ हर खिलाड़ी की जो हमारा कौमी खिलाड़ी है उसकी यही सोच होती है कि मैं अपने मुल्क में परफॉर्म करूं। यस। और ऐसा हमारे तकरीबन 10 साल या 12 साल के अरसे के बाद जब श्रीलंका के टीम पर हमला हुआ मार्च में लाहौर के अंदर 2009 में हुआ था, और उसके बाद 10 साल के बाद क्रिकेट एक दो बहाल हुई। पहले वो वनडे खेलने आए, फिर T20 खेला, T20 के बाद फिर वो दो टेस्ट खेलने आए, उसके बाद बांग्लादेश की टीम को हमने राजी किया, और फिर हमारे यहाँ मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बाली के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट भी बहाल हुई। yes. और यकीन तौर पर भी ऑस्ट्रेलिया से भी बात चल रही है, साउथ अफ्रीका से भी चल रही है, तो हमारे मुल्क में अब इंडिया टेस्ट क्रिकेट का जो है बहाली का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। जहाँ बाबर आजम की बात हुई है, तो बाबर आजम ने तो आपने देखा कि वो मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनके साथ दीगर जो नए प्लेयर्स आए जैसे कि आबिद अली है, एक अच्छा प्लेयर है, आजम ट्रॉफी के अंदर जिस तरह से परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद उसे कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया, फिर उसे ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किया, उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ कराची में स्कोर किया। तो यकीन तौर पर क्रिकेट में ऊंच नीच तो होती है कि पहली बॉल पे आउट हो गए तो कोई मसला नहीं। ऑलराइट, इसके ऊपर बात करते हैं। जरा गुलाम अली साहब इस वक्त लाइन पे मौजूद है। गुलू भाई, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा गुलू भाई, ये बाबर आजम के हवाले से बात हो रही थी और होम कंडीशंस का, और बड़ा उसने क्राउड का भी सपोर्ट रहा है क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये बच्चे जो है वो खेल रहे हैं अपने होम सॉइल पे, तो इसका एडवांटेज लिया है। मैं चाहूंगा बाबर आजम के हवाले से थोड़ी बात हो जाए। बड़ा जबरदस्त टैलेंट आपका है, और एक दफा फिर उसने 100 लगाया है। कैसा 100 आपको लगाई है? देखें, बाबर आजम नो डाउट गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 1.5 साल से जिस तरह रन बना रहे हैं और एक रन मशीन बने हुए हैं, और पाकिस्तान के लिए एक ऐसे बैट्समैन के रूप में आए जो कि हम समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान को इंजमाम यूनुस खान और यूसुफ के बाद कोई बैट्समैन शायद ऐसा काफी देर तक ना मिल सके, लेकिन बाबर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं मैं समझता हूँ अमेजिंग है, और बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में वर्ल्ड का इतना बेहतरीन प्लेयर मौजूद है, और जिस तरह से अपने आप को स्टेब्लिश किया है, और सबसे बड़ी कमाल की बात जो है वो तीनों फॉर्मेट में जिस तरह मुस्तकिल मिजाज से रन कर रहे हैं, ये बड़ा अमेजिंग है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त अगर आप देखें तो एक आध बैट्समैन बाबर के अलावा होंगे जो तीनों फॉर्मेट में मुसलसल रन बना रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। अमेजिंग, मैं कहूंगा कि अमेजिंग प्लेयर है, और हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं, दुआ है कि ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े और सबसे बोल के जितने भी माजी में ग्रेट बैट्समैन रहे, बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि अच्छे कैप्टन बन के जो है वो इमर्ज हुए। बाबर आजम, डू यू थिंक कि हैंडल कर सकते हैं कप्तानी का प्रेशर, क्योंकि अभी कप्तानी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, देन अगेन सरफराज के हवाले से जैसे अभी बात हो रही थी, स्पेकुलेशन थी कम बैक कर जाएगा नहीं होगा, लेकिन लगता ही है कि बाबर आजम को ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कि आपके ख्याल में क्या ये मोमेंटम जो उसका बना हुआ है ये कंटिन्यू रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी मिसाल बड़ी कम है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो उसमें बाबर आजम नो डाउट के उसको एक्सपीरियंस जूनियर लेवल पे कप्तानी का है या डोमेस्टिक लेवल पे कप्तानी का है, लेकिन अभी थोड़ा सा अर्ली था बाबर के लिए, जब आप जो है सरफराज मौजूद थे और अच्छा कर रहे थे, तो उनको उनके साथ इनको नाइब बना के अगर कंटिन्यू करते एक आध साल तो वो ज्यादा बेहतर होता और काफी चीजें जल्दी सीख जाते बाबर जी जी। लेकिन बहरहाल बाबर आजम को अब जो कप्तान बना दिया, तो इसमें
हम ये बात तो नहीं करेंगे कि उनको नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, अब तो देखना ये है कि वो अपने आप को जिस तरह एज ए बैट्समैन जिस तरह तेजी से अपने सलाहियतों में इजाफा किया है वो अपनी कप्तानी को किस तरह जो है जल्द जल्द मश्योर करते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बाबर आजम को बिला झिझक अपने जो सीनियर पास में जो कैप्टन गुजरे हैं जिनसे वो इंस्पायर हैं, लाइक यूनुस खान हुए या मिसबाह हुए या आपका इंजमामुल्लक हुए या शाहिद आफरीदी हुए या इवन सरफराज हुए या और भी पीछे चले जाए जावेद ने, तो इनसे जाके बैठ के थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि मुख्तलिफ सिचुएशन होती है कि उसमें किस तरह हमने हैंडल करना है, क्या क्या जो है स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो थोड़ा सा जो लर्निंग प्रोसेस है ना इनका वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बाबर के लिए हम तो कहेंगे कि बाबर एज ए कैप्टन भी अच्छा प्रूव करें और एज ए बैट्समैन तो कर ही रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो लॉट है जो आपके पास जी जी उसमें एक बाबर का ऑप्शन बेहतर है। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है ठीक है गुलू भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और बाबर आजम के हवाले बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन है, नो डाउट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे पास एक बहुत अच्छा बैट्समैन आया है और उस कैलिबर का बैट्समैन जैसे यूनुस खान हुआ करते थे, मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे, और उनके जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि क्या उनका उनकी जगह कोई ले सकेगा। तो बाबर आजम वो प्लेयर हैं जो वाकई जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और कैप्टनसी की बात जैसे अभी गुल्लू भाई बता रहे थे कि अब ये देखना होगा क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर ऐसा लगता है डिसीजन है कि बाबर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कप्तानी की, अब बैटिंग के ऊपर उनको फोकस करना ज़रूरी है। और अगर लर्निंग का प्रोसेस अगर मज़ीद कंटिन्यू रहता सरफराज के साथ, अगर और मज़ीद टाइम अगर वो लगाते तो यकीनन वो एक बेहतर कैप्टन जो है वो बन सकते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रीमेच्योर डिसीजन लगता है। वेल मज़ीद हमें इसके ऊपर बात करनी है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। देन वी हैव टू डिस्कस सम पीएसएल इश्यूज़ हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, नहीं इश्यूज़ की बात नहीं है, पीएसएल को हमने डिस्कस करना है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग जो आप समझ लें कि हमारा इवेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो पीएसएल है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रफ़ीक अंसारी हमारे जो स्पोर्ट्स के नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। पहले थोड़ी सी बात हो जाए बांग्लादेश के हवाले से मज़ीद, क्योंकि हारिस वेल की सिलेक्शन अगेन हो गई है। देन फवाद आलम, अभी मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, एवरी वन इज़ डिस्कसिंग कि वो 12th मैन है और जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर है, येट अगेन मिसेस चांस, क्या कहेंगे? देखो यासिर, आपने देखा कि जब श्रीलंका की टीम आई, फवाद आलम को स्क्वाड में शामिल किया गया श्रीलंका के। चलो ठीक है कि आपने हारिस सुहेल को पिंडी के अंदर जो मैच हुआ वो बारिश की नज़र भी हो मगर उसका तो खिलाया, वो तो कोई परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद ये तवक्कुआत की जा रही थी कि फवाद आलम जितना कायद आजम ट्रॉफी के अंदर स्कोर का भरमार की सेंचुरियाँ भी बनाई, उसे स्क्वाड में तमाम जर्नलिस्ट बिरादरी की तरफ से एक शोर शराबा हुआ कि फवाद आलम, तो मीडिया का इतना प्रेशर था कि बोर्ड को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में फवाद आलम को शामिल किया गया। मगर शामिल तो कर लिया गया और उसके साथ सिर्फ वही एक हिसाब हुआ कि उसे लेके गए और उसे खिलाया नहीं और हारिस सुहेल को खिला दिया। तवक्कुआत ये की जा रही थी कि कराची में होने वाले टेस्ट मैच के अंदर हो सकता है कि फवाद आलम को शामिल कर लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हारिस सुहेल को एक बार फिर लिया गया और हारिस की कारकर्दगी, उन्होंने कोई बैटिंग नहीं, उनकी बैटिंग आई नहीं, जबकि उन्हें कराची टेस्ट के अंदर एक बड़ा अच्छा गेम खेला गया कि जहां हारिस सुहेल को बैटिंग करने आना चाहिए था तो कराची के अंदर हारिस सुहेल को नहीं भेजा गया जबकि वो चौथे नंबर पे खेलते थे, उनको बचा लिया गया और बचाने के बाद पाकिस्तान वो टेस्ट जीत गया। और जीतने के बाद अब यही सूरत हाल हुई कि जब बांग्लादेश की टीम आई तो 16 के स्क्वाड में फवाद आलम को शामिल तो कर लिया गया और करने के बाद हुआ क्या कि आज वो ही जो फवाद आलम है एक बार फिर बाहर बैठा हुआ। यकीन तौर पर कि हारिस सुहेल ने दो खिलाड़ियों को तो आउट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, और कल अगर बैटिंग आती है और हारिस सुहेल 50 कर जाते हैं और उन्होंने अगर बैटिंग में स्कोर कर दिया तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से एक बार फिर कराची टेस्ट होगा और कराची के स्क्वाड के अंदर फिर हारिस सुहेल को
शामिल कर लिया था, तो फवाद आलम का मुस्तकबिल अब ये रह गया है कि वो स्क्वाड में शामिल होगा और शामिल होने के बाद बाहर बैठ के वो सिर्फ जो है वो देखेंगे, तालियां बजाएंगे और वक्त मिला तो वो ग्राउंड में पानी देने आएंगे। अब उनके साथ सिर्फ सूरत हाल ये रहेगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कंसर्न है। और एक जो परफॉर्मर रहा है, आपने ट्रिकी एक एक मूव थी आपकी जिसमें आपने अभी जैसे हरीश सोहेल का आपने बताया जिस तरह उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया और उसको बचाया गया। एनी प्लेयर कोई भी हो टीम के लिए डिलीवर करे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीनन एक टैलेंटेड प्लेयर है हरीश सोहेल, लेकिन जो डिजर्विंग प्लेयर है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो अपनी जगह को जस्टिफाई करता है, चांस उसको दिया जाना चाहिए। अगर उसको नहीं देंगे डिलिब्रेटली, अगर आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे या उसको अगर नहीं लाने की कोशिश करेंगे तो ये इसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे और फिर इसके जवाब भी नहीं दिए जाते। उसकी पोजीशन क्या है, हरीश सोहेल को कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर दोबारा से सेलेक्ट किया गया, उसका भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। ऐसा ही है जी, चीफ सेलेक्टर से जब बात होती है, जो बैटिंग कोच प्लस हेड कोच हैं, उनके पास जवाब कोई नहीं होता। देखिए यासिर, आप मिसबाहुल हक जो हैं वो तो तीन पौधे पर और चौथा होता है जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यस के भी आ गए हैं, तो जंगल में बादशाह बने हुए थे। तो इस वक्त यही कह, उन तो जब सवाल करो तो ये देखते हैं कि हाँ फवाद का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में उन्होंने कहा था कि जी जी बिल्कुल फवाद को मौका देंगे, कब मौका मिलेगा। ठीक है, तो यही सूरत हाल अब देना चाहिए और यकीन तौर पर एक पाकिस्तान में सीरीज हो रही है उसको देखना चाहिए कि अगर कायदे आजम ट्रॉफी में उन्होंने स्कोर किया है तो आया कि वो ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट थी, अभी नेशनल क्रिकेट में उनका किरदार क्या होगा। और अगर वो स्कोर करते हैं तो यकीन तौर पे बोर्ड पे एक सवालिया निशान बन जाएगा, और अगर वो स्कोर नहीं करते तो फिर फवाद आलम के लिए सवालिया हो जाएगा कि भाई इतना लिया मीडिया ने आपके लिए शोर किया, फिर बोर्ड जोश में आके कहेगा देखें हमने तो मौका दिया खेल ना सके। Yes. भाई आपने उसको इतना तरसा तरसा के जब लेकर आओगे right. तो बंदा बिल्कुल बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाता, ऐसा ही होता है, नहीं हो पाता। एक सीरीज से आपको नहीं पता चलता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इधर यहाँ जीरो पे आउट हो गए तो क्या उनका करियर तबाह हो गया? नहीं, एक अच्छा बैट्समैन है वो, यकीन तौर पर कि एक मगर आउट हो गए तो कल जो अब इसी तरीके से शान महसूद ने कराची के लास्ट इनिंग में 100 किए, आज 100 कर दिए। बाबर आजम ने 100 किए थे कराची में, बाबर आजम ने कर दिया। असद शफीक ने कराची में स्कोर नहीं किया, अभी साइड पे खेल रहे। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब बैट्समैन, ये यकीन तौर पर ये वो प्लेयर्स हैं कि मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अच्छा स्कोर अच्छी टीम एस्टैब्लिश हो सकती है अगर आप फैसले सही हैं। जैसे कभी हमें फैसल इकबाल ने कहा सरफराज के बारे में, कहा कि सरफराज को चांस देना चाहिए था, उनके साथ नाइक कप्तान रखना चाहिए था। गुलाम अली साहब ने, तो यकीन तो गुलाम अली साहब ने जो कहा आपने दीपक, तो बिल्कुल सही कहा कि सरफराज का राइट बनता था। अब एक मिसाल के तौर पर अभी बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की T20 के दौरान, और उन्होंने कहा कि अगर सरफराज अहमद जो है PSL के दौरान अगर स्कोर करते हैं तो PSL की तो मिसाल अब छोड़ देना कि PSL की मिसाल में क्या है कि PSL के अंदर अगर वो परफॉर्म करेंगे तो भाई किस बुनियाद पर आएंगे। अभी ये कहा जा रहा था, अभी चंद रोज पहले अखबार की एक सुर्खियां थी कि बाबर आजम को वनडे का भी कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज का जो कुछ चांस नजर आ रहा था कि चलो कि वनडे में हम लेकर आ जाएंगे उनको, वहां ट्राई कर लेंगे, तो अब वनडे की भी बुनियाद सरफराज के लिए खत्म हो गई। अब सरफराज को जो है वो PSL पर नजर रखनी होगी और PSL की परफॉर्मेंस पर वो ये बोर्ड को बताएगा देखो मैं अभी भी सरफराज हूँ। तो इसका मतलब ये है रफीक अंसारी साहब कि अब जो PSL में परफॉर्म करेगा वही टीम में सेलेक्ट होगा, यानी आपने क्राइटेरिया ये बना दिया है कि सारी डोमेस्टिक क्रिकेट एक तरफ हो गई और PSL एक तरफ हो गई, यानी कि जिस बात के बारे में हम बात करते थे कि आपने क्राइटेरिया PSL को बना लिया कि जो PSL में परफॉर्म करेगा वो टीम में जगह बनाएगा, चाहे डोमेस्टिक में उसकी कैसे ट्रॉफी जो शुरू होती है PSL से चंद महीने पहले शुरू है जी, यही है ना। अब एक बंदा कादर ट्रॉफी में परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद कोई सीरीज नहीं होती है, अगर कोई सीरीज नहीं है या वनडे या पाकिस्तान सुपर कप हो रहा है इस तरीके, तो वो बंदा उसमें जाके इसको कर। अब रहा सुपर कप, वो आप आ जाते हैं कि भाई PSL पर, अब PSL की सीजन आ गया, अब वो कायदे आजम ट्रॉफी में तो उसने स्कोर कर दिया और इसके बाद कोई इंटरनेशनल सीजन नहीं था। अब अगर वो PSL में स्कोर नहीं करता, एक मिसाल है फेल जाता है वो स्कोर नहीं कर पाता, तो फिर क्या कायदे आजम ट्रॉफी की भी परफॉर्मेंस ही गई? बिल्कुल ठीक है, फिर वो क्या करेगा? उसके लिए है। कौन सा ऐसा चांस है क्या फिर वो कायदे आजम ट्रॉफी का दोबारा इंतजार करेगा, फिर PSL का इंतजार करेगा? अब 5 PSL था, अब वो 6th PSL के लिए इंतजार करेगा, फिर कायदे आजम ट्रॉफी का इंतजार करेगा। उस वक्त तक प्लेयर की एज भी जो है ना थोड़ा अगर एज की भी बताओ, फिर कोई एक नया प्लेयर आता है, कोई एक नया बॉलर आता है। अब जैसे कि नसीम शाह सामने, शाहिन शाह आफरीदी, तो
दोनों ही अंडर 19 के प्लेयर जी, दोनों अंडर 19 से आए, कोई उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, तो पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी वहाँ परफॉर्म किया, नसीम शाह वर्ल्ड कप के लिए गए, इस दफा उनको मौका नहीं दिया गया, बोर्ड ने बेहतर समझा होगा, मगर इनके अलावा भी मूसा खान पीछे बैठे हुए और इनके साथ साथ हमारे पास एक तजुर्बेकार बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट के लिए, जैसे कि असद शफीक है वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, अजहर अली वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, तो इसी तरह मोहम्मद अब्बास हमारे पास जो फास्ट बॉलर है उनको सिर्फ टेस्ट तक ही महदूद कर दिया गया है, यकीनी तौर पर उनको वनडे टी20 में मौका देना चाहिए, दुनिया के हर प्लेयर जो है अपने बॉलरों को मौका देते हैं, अभी एक वो बना लिया है कि टी20 का बॉलर अलग होगा, वनडे का बॉलर अलग होगा और टेस्ट का बॉलर अलग होगा, ठीक है, तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो अगर हमारा, हाँ ये जरूरी तौर पर कि हमें ऑलराउंडर की जरूरत है, अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर अभी हमारे पास नहीं है, जब फहीम अशरफ को शामिल किया, यस यस किया फहीम अशरफ को ना, इसके ऊपर आपने कहा कि फहीम अशरफ को आप लेकर आए ऑलराउंडर की हैसियत से कि भाई उन्होंने कायदान ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, यही आया निगाह लखनऊ ने भी कहा, अगर उनको कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पर आप टीम में शामिल लेकर आए थे तो फिर आप उसको ट्राई करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, और अगर आप उसको कराची टेस्ट भी नहीं खिलाते और लेकर आए तो फिर उसकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किसने देखी, कायदे आजम ट्रॉफी में तो आम ग्राउंड में तो पब्लिक शाही के लिए क्रिकेट को नहीं पता, आम आदमी जो क्रिकेट है तजिया उन्हें पता है कि यार फहीम अशरफ खेला, आम आदमी को क्या पता कि उसने क्या परफॉर्मेंस की, तो टेस्ट क्रिकेट या वनडे या टी20 में जाके बताए, अब आप कहोगे नहीं हमने उसको टी20 के लिए ले लिया था, अब हम वनडे खिलाते हैं वनडे में अंदाजा है, तो ऐसे बॉलर का ऐसे बात नहीं बनेगा और ऐसे क्रिकेटर का भी नहीं पता चलता, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि इस तरह की अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा तो फिर प्लेयर आपके पास नहीं आएंगे, और जैसे प्लेयर्स के साथ ज्यादती होगी तो यकीनन फिर जो दीगर जो प्लेयर्स हैं बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं वो डिसहार्टन हो जाएंगे और उसके बाद वो खुद बहुत साइडलाइन होते रहेंगे, तो पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है, सवाल और हम सवाल पूछते रहेंगे, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ क्योंकि बांग्लादेश नस्बतन अभी कमज़ोर हरीफ है और हमें क्योंकि होम कंडीशंस का एडवांटेज है और विकेट्स भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें हम जीत जाते हैं, लेकिन हमें आगे ये देखना है कि आने वाली सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसके लिए हम क्या टीम बनाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात के साथ जी हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, थैंक यू सो वेरी मच रवि कंसारी, आप हमारे साथ रहे और बात हुई थी कुछ हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से, देन अब हमारा जो अपकमिंग इवेंट है वो है PSL, उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी होगी और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, इनफैक्ट हमारे लिए पूरे स्पेशल प्रोग्राम हम इसके लिए आपके लिए लेकर आएंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर भेजें, Sports21 का जो पेज है उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सवाल अपने पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीक इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।